जिसको हर एक मौजज मेंबर ने मुस्तरद किया कि ये ज़ालिमाना टैक्स हैं। 10 रुपये से 15 रुपये हो सकता है, 10 रुपये से 11 रुपये हो सकता है, 10 रुपये से तंबाकू पर 1 किलो टैक्स 390 रुपये, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी और ज़ालिमाना टैक्स हैं। तो हमने ये गुजारिश की पूरा कमेटी से, IBR के चेयरमैन से, कि यहूदियों के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके लिए जो इंपोर्टेड तंबाकू आता है जो कि अपने सिगरेट में इस्तेमाल करता है, जो कि लोकल तंबाकू नहीं, उस पर तो आप उनसे 5 रुपये टैक्स ले रहे हैं, जबकि यहाँ मुकामी जो पैदावार है उस पर 390 रुपये, ये कहाँ का इंसाफ है। दूसरा, छोटे कारखानदारों का जो पैकेट हैं उसको हमारे जो मुकामी सनत के अपने मजदूर भी नहीं पीते। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे ये छोटे कारखानदार हैं वो अपने मजदूरों का तलाशी भी नहीं लेते, क्योंकि वो सिगरेट वो भी नहीं पीते, सारा मेहनतकश लोग पंजाब और सिंध में वो पीते हैं। उसका रिटेल प्राइस जो कि IBR ने फिक्स किया है 60 रुपये, अच्छा उस पर भी 41 रुपये पर पैकेट टैक्स, और जो मल्टीनेशनल का ब्रांड है जिसका रिटेल प्राइस 133 रुपये, उस पर भी 41 रुपये टैक्स। तो मैंने कहा ये तो इंसाफ पर मबनी टैक्स नहीं है, लिहाजा ये भी आइंदा बजट में हम अमीर जमात इस्लामी, मरकजी अमीर और सूबाई अमीर और हमारा जितना भी रुफाए कार है उसकी वसातत से हम उस ज़ालिमाना टैक्स को भी हटाएंगे। हमारा इशारा किया कि मरकजी हुकूमत चेयरमैन उसको मजबूर कर देता है कि हम इतना टैक्स, 98% टैक्स देते हैं, चूँकि मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड्स इस तरह के हैं कि वो टैक्स ज़्यादा देते हैं, वो उस टैक्स के हवाले से अपने मर्जी के टैक्सेशन और स्लेब बनाते हैं जो कि मुकामी सनत को वो तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उसके मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्हें दुश्वारियाँ पैदा होती है किस्म किस्म की, और वो जो मल्टीनेशनल के ब्रांड है और इस मुकामी सनत के ब्रांड बनने इस वजह से और क्या लायमल है इल्ला के लिए, तकरीबन 4-5 सनत के अलावा सारे इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो गए कश्मीर जी। तो और फाटा एक्स फाटा जी। क्योंकि वहाँ पर टैक्स नहीं है, तो उस चमक की वजह से सवाबी चरसद और मर्दान के जितने भी लोकल सिगरेट इंडस्ट्री से वो इधर शिफ्ट रहेगा। अभी तंबाकू के 2 कारखाने भी उधर लग गए जो 390 रुपये टैक्स इन्होंने लगाया है, तो वो कश्मीर में नहीं है, तो लिहाजा यहाँ से सारा कारोबार ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। جو تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو په دې اهم مسله باندې دا نن موږ ته یو ډیر لوی مشکلات را پیښ کړي، او تاسو په دې باندې دا حکومت او وزیر خزانه یو ظلم کړی دی، ناروا کړی دی، په تماکو باندې لس کم 400 روپے ټیکس لګول دی په کلو، نو دا ډیر ظلم دی زموږ صوبه چې کمه ده دا ډیره پسمانده ده، موږ آبادی زیاته ده، رقبه کمه ده، دغه 2-3 جلې به دغه تماکو خلک په دې سره 40,000 خلک وابسته دی، اوس دا ده که دا خو زموږ صنعت او دا په دې کې لوی سازش چې کوم دی دا د ملټی نیشنل کمپنو دی چې هغه د یهودیانو کمپنی دي، او دا کمپنی چې نوې هغې زنګ استحصال کو هغې سره موږ خبرې نه شو کولی، اوس چې کوم دی د خدای فضل دی چې دا وړې کمپنۍ رالی نو زموږ عزت پیدا شو، زموږ کمپټیشن پیدا شو، مقابله پیدا شوه او عزت پیدا شو، دا دې سره یو ځای باندې کینو خیر ډوډۍ وکړو، هغوی خو موږ سره جوړ تازه بم نه کول، نو خبر دا ده چې زموږ صوبه ډېره پسمانده ده، او دا تمباکو زموږ ذریعه معاش دی، او دا زموږ صوبې سره ډېر ظلم کېږي، ناروا کېږي، نو موږ وایو چې دا ټیکس فوراً سینیټر د موږ دلاور خان صاحب دا تورمان صاحب دې ډېره شکریا ادا کړو،
چې هغه چې کم دی دا ټیکس کم دی نو په سینټ کې دغه حکومت ہے کہ اوس موږ قومي سملې نه دا توقع لرو چې دا چې کم دی چې معاف کړي.